तो आज हम जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है मोलर चालकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे करने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहूँगा, ठीक है? या आप इमेजिन करें, मान लें कि कोई एक बिलियन है और उस बिलियन में 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य जो है वो घुला हुआ है। तो सीधी बात है कि कोई हमारा एक बिलियन है जिसमें 1 ग्राम मोल हमारा क्या है, वैद्युत अपघट्य घुला हुआ है, और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर हैं, और इनका जो क्षेत्रफल है वो है 1 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है? तो सीधी सीधी सी बात है, क्या है कि हमारे पास कोई एक बिलियन है जिसमें 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला हुआ है, और इसमें दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे के समांतर हैं, और इन इलेक्ट्रोडों का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है? और ये दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, यानी कि ये वाली जो दूरी है वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो अब यहां पर जो चालकता होगी, उस चालकता को बोलते हैं हम मोलर चालकता। 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे बिलियन में यदि 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला है, तो उस अवस्था में उसकी चालकता उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। यानी कि अगर कोई बिलियन है और उसमें 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला हुआ है और उसमें दो इलेक्ट्रोड दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और उनका परिच्छेद क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जो है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस कंडीशन में जो इसकी चालकता होगी वो कहलाएगी आपकी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है? तो आप सीधे बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे बिलियन में यदि 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला है, तो उस अवस्था में उसकी चालकता उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यदि किसी बिलियन में 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला है और इसमें दो इलेक्ट्रोड जो कि जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है और दोनों एक दूसरे से यदि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इस अवस्था में इनकी उसकी चालकता वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाएगी। मैं इसे दोबारा रिपीट कर देता हूं। आप बोलेंगे कि यदि किसी बिलियन में 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला है और इसमें दो इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है और यदि ये दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इसकी चालकता वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाएगी। मोलर चालकता को हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इक्वल्स टू, ये जो सिंबल है के जैसा, इसे बोलते हैं कापा इंटू वी। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू कापा इंटू वी, तो इसे बोलते हैं हम, ये होती है चालकता। तो सीधी सीधी सी बात है कि जो हमारी मोलर चालकता जो होती है वो चालकता गुणा में आयतन के बराबर होती है, ठीक है? वी है यहाँ पर आयतन। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक मोलर चालकता। इसके बाद देखेंगे हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में।